ये मेरा कैंप है जैसे मैं कल बता रहा था, और ये है गोनबो। ओह माय गॉड, उल्लास भाई की बाइक में हो गया पंचर। अभी कुछ खतरनाक सा रास्ता आ गया, बिल्कुल छोटा, बहुत हाइट पे हम। सो बेसिकली पुणे नीचे ये जहाँ जा रहे हैं, और पुणे में ही ये संगम है जो मैं आपको बता रहा था, और ये कुर्ग्याक जो नदी आके वहाँ मिल रही है। सो ये हम आ गए हैं पुणे में, अरे बाप रे कहाँ उतर रहे हैं। सर बस एक ही वो है कि बस रोड आ जाए अच्छी। आई होप आप समझ सकते हो मेरी कंडीशन इस समय, धूल खा खा के। यार ये चलाते भी तो ऐसे ना निकलने देते, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो निकलने भी नहीं देंगे, वो तेज भगाएंगे अगर ओवरटेक करो ना, फिर वो पूरी धूल। ऐसे ख़राब रोडों पे ना आगे वाले टायर के जो चला रहा है उसकी बाइक के एकदम पीछे नहीं चलना चाहिए, पत्थर वत्थर उछल के आ सकते हैं, ये बहुत छोटे मोटे हर टाइप के पत्थर हैं, कोई उसके टायर में फंसा और उछल के आएगा ना तो सीधे लगेगा। तो साइड में चलो। वादियों के साथ थोड़े मज़े ले लिए, पानी पी लिया। चलो अब 5 किलोमीटर खराब रास्ता है और उसके बाद चकाचक। कैसे हो दोस्तों, और मैं बहुत ही रिमोट एरिया में खड़ा हुआ हूँ, रोड की कंडीशंस तो आपको देख ही रहे हो अभी तक। सो ये रोड की कंडीशंस है, पर ऐसी सिचुएशंस में भी कुछ चीज़ें आपको एनर्जी देती हैं, उसमें से सबसे पहले आपकी बाइक आउटराइडर, और उसके बाद ये नज़ारे। तो इसी नज़ारे के बलबूते और सारी थकान दर्द वर्द लेके चलते जा रहे हैं। गुड न्यूज़ ये है कि जो सुनने में आया है 5 किलोमीटर बाद आगे रोड सही स्टार्ट हो जाएगी पाडुम तक, तो 5 किलोमीटर और, 5 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, आवाज़ भी बात भी ना मैं आपसे बड़ी धीरे धीरे कर रहा हूँ, सब कुछ रुक सा गया है, ऐसा लग रहा है थोड़ी थोड़ी देर में बात करूं। वादियों के साथ थोड़े मज़े ले लिए, पानी पी लिया। चलो अब 5 किलोमीटर खराब रास्ता है और उसके बाद चकाचक। दोस्तों ये तो बनता है पद्मा लिंक। दोस्तों ये क्या मिल गया दोस्तों, आई डोंट हैव वर्ड्स। अरे पहाड़ों को भूल जाओ 2 मिनट के लिए भाई, ब्यूटी को इसे देखो, इसे ये ब्यूटी फेल है इस समय,
दिस इज द ब्यूटी, द ब्लैक ब्यूटी इज द ब्यूटी। क्या बोलता है ऑटोराइडर, ये है ना ब्यूटी? वो तो यही बोलेगा भाई, ये है ब्यूटी। डिस्को डांस करेंगे। ओहो, खुशी के बीच में बैटरी खत्म हो गई थी। उल्लास भाई, चलो उल्लास भाई, आज का तो हो गया खेल। अरे ऐसी रोड हो तो हम थोड़ा नज़ारे भी इंजॉय कर लें। जब रोड ख़राब होती है तो हम तो नज़ारे कुछ इंजॉय कर नहीं पाते भाई। देखो ओहो, बाइक को कैसा लग रहा है ऑटोराइडर? सो अप्रोक्सीमेटली 60। सो पुरने से 30-32 किलोमीटर बाद ये रोड आती है अच्छी। अभी कितनी देर तक अच्छी है, पाडुम कितना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वैसे सारी इन्फॉर्मेशन मैं मैप्स में भी अपडेट कर दूंगा। ओए होए, ये क्या शॉक लगा। अच्छा नहीं, ऐसे है, रारू विलेज है, रारू रारू। थोड़ी देर नज़ारे इंजॉय कर लेते हैं ना जब रोड अच्छी आ गई है। अब आप कहोगे सर अभी तो रोड अच्छी आई है, आप अभी कैमरा बंद कर रहे हो। अरे यार बीच बीच में ख़राब क्यों आ रही है, मूड क्यों ख़राब कर रही हो? इसे भी अच्छी कर देते जब बना ही देते, थोड़ा सा काम छोड़ दिया, मूड ख़राब कर देते हैं बीच बीच में। हाँ तो हम क्या कहते थे, नज़ारे इंजॉय कर लेते हैं थोड़ा, आप भी थोड़ा सा अच्छी रोड पर भी इंजॉय कर लो। वाह, अरे ओए होए, ओए होए, मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे ओढ़ रहा हूँ, ऑटोराइडर अपने आप ही मज़े ले रहा है पूरे। एक बार और, ए एक बार और, ए ये अच्छा था। मतलब जाते जाते भी एक आधी वाटर क्रॉसिंग करवा के जाएगी। इसे भी बना देते कुछ पुल वुल सा, सारी रोड बना दी फिर पुल बनाना स्टार्ट किया। चलो चलो बनाओ, बढ़िया बढ़िया। आई थिंक एक और आएगा, कोई मेरे को बोल रहा था, आई थिंक वही बोल रहे गाड़ी वाले पुणे पे कि जब रोड तो सही हो जाएगी पर दो क्रॉसिंग आएगी। आई थिंक एक तो ये है और एक और आएगी। अच्छा तो ये थी वाटर क्रॉसिंग। एक सो हम पादुम पहुंच गए हैं और ये नाज गेस्ट हाउस है, यहाँ पे ये रुक गए हैं आपके निशान और इमरान। तो यहाँ पे गद्दे ज़मीन पे डले थे, कुछ तो ऐसे ही था, तो मेरे को आज तो ज़मीन पे नहीं सोना, मेरे को प्रॉपर अच्छा रूम चाहिए। तो एक होटल मेरे को पता था यहाँ पे, होटल पटोला नाम से है, मेरे को किसी ने बताया था। सो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं विकास जी, उन्होंने मेरे को बताया था, वो यहाँ पर रुके हैं शायद, तो वहीं जा रहे हैं हम। मैंने फ़ोन पर बात हो गई तो रूम खाली है।
सो यही अपडेट है कि वी रीच्ड पाडुम, बस अब पटोला ढूंढना है किधर है। ये दीदी होटल पटोला किधर होगा? पटोला पटोला बहुत आगे के मार्केट में है, पूरी चहल पहल है, अच्छे अच्छे छोटे छोटे खाने पीने के जॉइंट्स हैं, मार्केट है, भीड़ भाड़ है, कुछ फेस्टिवल होना था यहाँ पे, आई डोंट नो कि कब है, अब है जब भी है। पिज्जा पिज्जा आई थिंक तू लगा दे अभी फोन, कोई नहीं यहाँ आ गई, फोन किया था मैंने अभी, हाँ ठीक है अभी लगा देंगे बाद में, सामान यहीं से ले जाएंगे ना, है क्या हो जाएगा, और भी आएगा ना, सामान निकालने के बाद लगा देंगे। एक रूम चाहिए भैया, हाँ दो जने भैया, कितने का रूम है? हेलो जी, डिलक्स 4100 रुपीस। कितना? 4100 रुपीस। और बस यही है विद डिलक्स है, सुपर डिलक्स है 5000। अच्छा और क्या इस पे डिस्काउंट है? डिस्काउंट उसमें कुछ नहीं है, आपको उसमें इनवाइट वो है, ब्रेकफास्ट और डिनर है इंक्लूड है, ब्रेकफास्ट डिनर आपको उसके साथ ही मिलेगा। मतलब डिनर का तो चलो, रूम में कुछ तो डिस्काउंट करो यार, ऐसा मत करो, पहाड़ों में तो जहाँ जाते हैं तो सभी डिस्काउंट कर देते हैं बिना बोले हैं। सही लगाओ ना रेट। आंटी थी कोई, उनको फ़ोन किया, हमें किसी ने सजेस्ट किया था, दो तीन जनों ने, हम किसी के रेफरेंस से आए थे, वो पहले रुके थे आपके यहाँ। देख लो फाइनल करो यार, फिर प्राइस का करो कुछ, 3.5 कर दो फाइनल। और बताओ, इस मैं तो कुछ ज़्यादा भी कम नहीं करा, 3.5 बोल रहा हूँ। इनको रूम दे दे, बताया रे। ठीक है, कितने ऊपर है? नहीं ज़्यादा ऊपर नहीं है, सेकंड फ्लोर में चाहिए, सेकंड में मिल जाएगा, थर्ड में चाहिए, थर्ड में मिल जाएगा। सो दोस्तों, हमने रूम ले लिया, जैसे अभी आपने देखा तो 4100 का बोल रहे थे और 3500 मैंने बोला तो मान गए। वैसे ऑफ सीज़न में 3000 भी चल जाएगा, पर यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, कुछ तो चल रहा है, मतलब अब डिबेटेबल है, मतलब 3000 का भी कोई रुका है यहाँ पे। मैंने 3500 रुपये में लिया है, जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर है, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, उसके अलावा रूम बहुत बढ़िया है, एंड दैट इज़ द ओनली होटल इन पाडुम जो फुल्ली सेंट्रली हीटेड है, फुल्ली, बाथरूम से लेके रूम से लेके गैलरी से लेके एवरीथिंग इज़ हीटेड, सेंट्रली हीटेड, पर वो विंटर्स के लिए, नेचुरली अभी के लिए नहीं है। रूम बहुत बढ़िया है, सब लिनन विनन एकदम साफ़ सुथरी बढ़िया, बाथरूम एकदम साफ चकाचक, इट्स लाइक इस एरिया के लिए मतलब बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से, तो बहुत अच्छा है। और बाकी खाना वाना खाऊंगा तो वो सब मैं आपको बता दूंगा, और रूम इज़ A1 एंड दैट्स इट। अभी अपडेट, थोड़ा सा बैकअप लेना मैंने स्टार्ट कर दिया, मेरे कार्ड्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे पिछले दो दिन से, तो आप देख ही रहे थे वहाँ पे, सांस जीने का तो हो नहीं रहा था, बैकअप क्या लेता, तो कार्ड पे कार्ड ख़त्म हो रहे थे। और अभी वापस आज थोड़ा इस समय 1.5 दिन बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा सा ना कुछ शांति सुकून नॉर्मल ज़िंदगी में आए हैं, पर अभी तो बहुत कुछ आगे है तो थोड़ा सा ही टाइम है। बाकी अभी हम खाना खाने बाहर जाएंगे, क्योंकि डिनर यहाँ पे तो हमने कहा खाना बाहर खा लेते हैं, वो मैं आपको लेके चलूँगा। और उसके अलावा कुछ नहीं है। आई होप आपको सारा एक्शन, आपको सारी मस्ती मज़ा आ रहा होगा अल्टीमेट अप नॉर्थ, एंड इट विल कंटिन्यू मोर मोर एंड मोर। बाय बाय। सो ऐसे ही वॉक पे निकले हैं होटल के बाहर, इंजन ऑयल भी ढूंढ लेंगे, किसी ने बताया यहाँ पे शॉप है, वैसे तो मुश्किल है मिलना, पर हमने कहा वॉक हो जाएगी, थोड़ा देख आते हैं। तो अगर आप मतलब शेखपुरा वाली साइड से नहीं, दूसरी वाली साइड से आ रहे हो, रामडूम वाली, लिंक शेड वाली, तो जैसे ही पाडुम में घुसोगे तो राइट हैंड साइड पर ही होटल पड़ता है सबसे पहले, होटल पटोला जस्कार। कहाँ से जाना पड़ेगा? उधर से हम लोग उल्टा आ गए उधर से। कैसा चलते हैं साइड से? चलिए कहीं तो मिल ही जाएगा।
सो मौसम थोड़ा ऐसा सही हो रहा है। देखो आया आया इधर इधर सोके 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 लड़के जी सो दोस्तों बहुत दूर तक वॉक कर कर आए, इंजन ऑयल भी मिला पर इंजन ऑयल में दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी वो आपको समझाता हूँ, अभी मेरे पास टाइम है। मेरी बाइक में जो इंजन ऑयल डला हुआ है फुल्ली सिंथेटिक डला हुआ है 10W40। अब अगर मेरे को टॉपअप करना है तो फुल्ली सिंथेटिक में मैं फुल्ली सिंथेटिक का ही टॉपअप करूँ तो बढ़िया है, अच्छी बात है और करना भी चाहिए ना। सेमी सिंथेटिक भी वर्स्ट केस सिनेरियो में, वर्स्ट बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो में, वरना जो सबसे सस्ता होता है मिनरल ऑयल वो तो नहीं। अब फुली सिंथेटिक अगर आपका 10W40 है और आपको फुली सिंथेटिक 10W50 मिल रहा है या 5W40 मिल रहा है तो वो मिक्स कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे जो था वो मिनरल ऑयल था तो वो फुली सिंथेटिक के साथ कोई फ़ायदा नहीं है मिक्स करके। सो मैं अभी चेक करूँगा कि इंजन ऑयल और कम हुआ है क्या, और कम हुआ है तो मैं सोच रहा हूँ कि सुबह ना ये सारा इंजन ऑयल निकलवा दूँ और ये जो मिनरल ऑयल है ये पूरा यही डलवा दूँ ले तक, और फिर ले में चेंज कर लूँगा फुली सिंथेटिक में, क्योंकि कम इंजन ऑयल ज़्यादा में भी चलाना नहीं चाहिए। और अगर वो इंजन ऑयल होल्ड कर रहा है जितना सुबह था उतना ही है तो फिर मैं उसको ले जाऊँगा। सो ये है अपडेट शाम का इंजन ऑयल को लेके। बाकी पाडुम के आसपास हम घूम रहे हैं और 7:15 के करीब बच गए। लेह में मेरी बात हुई, लेह में भी ऐसे काले बादल हो रखे हैं जैसे यहाँ पे। सो देखते हैं कल निकलेंगे जब। सो दोस्तों मैं हूँ रूम में और थोड़ी बहुत चीज़ें हुई। एक तो हम लेटे हुए थे, मेरे को याद आया पेट्रोल, सुबह अगर जल्दी निकलना है तो पेट्रोल भराना पड़ेगा। अब पेट्रोल पंप कहाँ पे हैं, कितने बजे तक बंद होते हैं, कितने बजे खुलेंगे। सो एक पेट्रोल पंप तो है यहाँ पे आपका, जब आप पाडुम से रामडुम की तरफ जाते हो तो करीबन पाडुम मेन शहर से 1 किलोमीटर ही है मेन रोड पर। तो पहले हम वहाँ पर गए, वहाँ पर पेट्रोल ख़त्म हो गया था और अब परसों मिलेगा वहाँ पर पेट्रोल, और वहाँ जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि शहर के पास है। फिर यहाँ दूसरा पेट्रोल पंप है जो जांगला वाली रोड पे है, जो बेसिकली आपकी लिंक शेड वाली रोड है, जो नया रूट है उस पे है, जो यहाँ से करीबन 6 किलोमीटर है। सो फिर हम वहाँ पे गए, सो वहाँ पे हमें पेट्रोल मिला और वहाँ से हम पेट्रोल लेकर आए। वो वाला जो पेट्रोल पंप है वो कह रहे थे वो सुबह 8 बजे खुल जाता है, पर हमें किसी ने बोला था कि 9 बजे खुलता है, और वहाँ पे वो जो पेट्रोल पंप है वो रात को 9:30 बजे तक खुलता है, और आई थिंक इनफैक्ट ये भी 9:30 बजे तक खुलता है जो यहाँ पे है। डीजल था इस पर पेट्रोल नहीं था। उसके बाद हमने खाना वाना खा लिया, खाना अच्छा था, बुफे था, बढ़िया खाना था और टेस्टी था, एंड दैट्स इट। चीज़ें चार्ज कर ली हैं, बैकअप ले लिया, अब मैं जा रहा हूँ सोने में, थक गया हूँ, आई नीड अ गुड स्लीप, और सुबह मिलूँगा फ्रेश और कल करते हैं कुछ और बढ़िया एडवेंचर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, गुड नाइट गाइज, आई लव यू एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जब आप ये देख रहे होगे तब इंडिपेंडेंस डे नहीं होगा, आज इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त। सो बाय बाय। यहाँ पे थोड़ी हवा कम है, ठंड बहुत है, मज़ा आ रहा है, और 10 साल बाद यहाँ पे हूँ, फीलिंग सो गुड। आप लोगों के साथ हूँ, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती।